जब आप सुबह उठते हो तो उठने के बाद सबसे पहले आप वार्म वाटर ले सकते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी, गुनगुना पानी पीजिए। उसमें हो सके तो आप थोड़ा लेमन मिला दीजिए, थोड़ा सा नमक मिला दीजिए। तो हम लोग देख रहे हैं डेली रूटीन हमारा कैसा होना चाहिए। तो जब आप सुबह उठने के बाद जब वार्म वाटर पियोगे, तो वार्म वाटर पीने के बाद जितने भी आपके स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और आपको रिलीफ मिलेगा। और आफ्टर फ्रेश फ्रेश होने के बाद आप 1-1.5 घंटा पढ़ सकते हो। जब आप मॉर्निंग में 5 बजे उठते हो या फिर आप 4 बजे उठते हो, तो सुबह का समय जो होता है वो पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो आप फ्रेश होने के बाद आप 1-1.5 घंटा पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट ज़रूर करिए। आपका ब्रेकफास्ट थोड़ा हल्का हो सकता है, हल्का में आप ले सकते हैं सलाद ले सकते हैं, और जो भी फ्रूट्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो फ्रूट्स ले सकते हैं। नहीं तो आप सादा भोजन सुबह सुबह करिए और हल्का ब्रेकफास्ट करिए। लेकिन ब्रेकफास्ट कभी भी मिस ना हो, ब्रेकफास्ट काफ़ी ज़रूरी रहता है हमें करना। अगर दिन का थोड़ा दिनचर्या अगर हमारा ऊपर नीचे हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ब्रेकफास्ट मिस ना हो। और उसके बाद जो भी आपका काम है, स्टडी टाइम है, स्टडी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो भी आपका वर्क है, ऑफिस में आप हैं, कहीं आप जॉब करने जाते हैं, जाइए। उसके बाद डे टाइम पे जब आते हैं तो जब आपका खाने का समय है 1 o'clock, 1:30 बजे या फिर 2 बजे आप खाते हैं, तो उस समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना दिन का भोजन भी कर लेंगे। क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, जब तक आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, तो आप ज़्यादा दिन तक काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो माइंड है, माइंड भी आपका कैसा होना चाहिए, प्रोडक्टिव बने रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक तरफा काम करते जा रहे हो, थके जा रहे हो और समय पे खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आप खाना भी समय पे खाइए। उसके बाद जब आप दिन का भोजन करते हो तो उसमें आप चावल दाल जो भी आपका रोटी खाने का मन है खाइए। और उसके बाद उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि मसाला वाला भोजन कम करना है। मसाला में आप कैसे कम कर सकते हो, जब आप भोजन करते हो तो भोजन करते समय मसाला का आप ध्यान कैसे रखेंगे। मान लीजिए आपके घर में मसाला वाला भोजन बनता है, तो आप माँ को कह सकते हैं या फिर जो भी कुक है आपके पास उनको आप बोल सकते हैं कि मसाला वाला भोजन थोड़ा कम बनाए, थोड़ा मसाला को कम कर दिया जाए। उसके बाद अगर आप नहीं कर पा रहे घर पे कम, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप सब्जी खाते हो तो उसमें से थोड़ा सा अलग कर दो और मसाला अपने आप बचा रह जाएगा प्लेट में। उसको आप थोड़ा छोड़ सकते हैं, थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, वो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद जब आप दिन का भोजन कर लेते हो तो अब आता है इवनिंग का समय, जो काफ़ी थका हुआ शरीर रहता है। तो शाम में थोड़ा सा आप अखरोट खा सकते हो, क्योंकि वो हमारे ब्रेन के लिए अच्छा होता है। अगर आपके पास अखरोट है, बादाम है, तो वो आप खा सकते हैं अपने फिट होने के लिए और फिट रहने के लिए। उसके बाद जब आप थोड़ा इवनिंग वॉक कर लेते हैं, या फिर आप खेलने का मन है तो खेलने जा सकते हैं, इवनिंग वॉक कर लीजिए। साइकिलिंग करना चाहते हैं, साइकिलिंग कर लीजिए, या फिर आप मॉर्निंग में भी साइकिलिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वो आपके फिट रहने के लिए सबसे बेस्ट है, उसमें आपका इंटरेस्ट भी आएगा और अपने आप को आप फिट भी रख पाएंगे। अब आता है रात का समय। रात को आप आराम से स्टडी करिए, जो आपका स्टडी टाइम है स्टडी करिए, 7 से 9 पढ़ते हैं या फिर आपका टाइम है 8 से 10। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो आपका रात का डिनर टाइम जो है वो आप 8-9 के बीच में कर लीजिए, या फिर आप 7 बजे भी खा लें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जब आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जो आपका डाइजेशन का जो होता है वो थोड़ा लॉन्ग टाइम अगर मिल जाता है आपको, तो प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई भी बीमारी आपको नहीं तंग करेगी, कोई भी डिजीज आपको तंग नहीं करेगा। समय पे खा लोगे, डाइजेशन आपका हो जाएगा आराम से। उसके बाद रात को सोने से पहले व्हाट्सएप फेसबुक मत चलाओ, काफ़ी नीड है तो थोड़ा बहुत चला लो, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लगे पड़े हो, लगे पड़े हो, लगे पड़े हो, लगे पड़े हो, तो एक दिन आप भी लगे पड़े रह जाओगे और आपको कोई ना कोई बीमारी तंग करेगी। इसलिए हमें फिट रहना ज़रूरी है, ताकि हम लंबे समय तक अपने आप को फिट रख सकें और अपने काम को सही ढंग से सुरक्षित रूप से कर सकें। उसके बाद रात को सोने से पहले आप 1 गिलास दूध ले सकते हैं, क्योंकि दूध में प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन प्रोटीन, जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, रिपेयर करने में काम करता है, बॉडी को रिपेयर करने में काम करता है। तो ये था हमारा डेली रूटीन, कैसे अपने आप डेली रूटीन को आप फिट कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक में गर्म पानी लीजिए, गुनगुना पानी लीजिए जो आपके पेट के लिए अच्छा है। ब्रेकफास्ट में सलाद लीजिए,
उसके बाद हल्का भोजन करने के बाद सलाद लेते हैं, या फिर आप रोटी खाने का दो चार रोटी जो खाना खा लीजिए, उसके बाद जो आपका पढ़ने का टाइम है, ऑफिस जाने का टाइम है, जाइए। उसके बाद आने के बाद या फिर आप ऑफिस में आपको ब्रेक मिलता है तो दोपहर का भोजन टाइम निकाल कर खा लीजिए। फिट रहना आपको ज़रूरी है, माइंड को सुरक्षित रहना ज़रूरी है। सुरक्षित कहने के मतलब है कि आपका माइंड प्योर हेल्दी रहे और आपका काम करने मन लगा रहे। उसके बाद दोपहर के बाद थका हुआ शरीर और शाम का समय, तो थोड़ा इवनिंग वॉक कर लीजिए, काफ़ी बेहतर होगा। इवनिंग वॉक करने के बाद रात को जो पढ़ना है, कोई काम करना है, सारा काम निपटा लीजिए, खा लीजिए आराम से 8-7-9 बजे तक, जो भी आपका टाइम है। लेकिन ध्यान रखिए कि 7-8-9 के बीच में खा लीजिए, ताकि डाइजेशन का जो टाइम है वो आपका ज़्यादा रहे। और थोड़ा बहुत टहलने का मन है टहल लीजिए, और रात को सोने से पहले कोई म्यूज़िक सुनना है सुन लीजिए, कोई बेस्ट बुक पढ़ना है पढ़ लीजिए, वो आपके माइंड को और आपके दिल को और आपको खुश रखता है। आपको खुश रहना भी ज़रूरी है, हेल्दी बनने के लिए, फिट रहने के लिए खुश रहना ज़रूरी है। लॉट ऑफ प्रेशर, दिन का थका हुआ शरीर, और एक गाना सुन लोगे तो दिमाग आपका बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। और बेस्ट बुक जो भी आपके मोटिवेटेड बुक पढ़ना है, कोई भी बुक पढ़ना है, वो आप पढ़ सकते हैं, ताकि आप बिल्कुल फिट रहें एंड फाइंड रहें।